ये तो रेल चल रही है, रात रात में सफर करो, दिन में मीटिंग करो, रात को सफर, दिन में मीटिंग। तो बहुत लोग हैं यहाँ पर आ रहे हैं। हाँ तो चुनाव लड़ लो, सरकार तो दिल्ली भी छोड़ के जाली गई, ये है नहीं दिल्ली। बंगाल बतावे चुनाव हो रहे वहाँ जाली, बंगाल जा रहे हैं? नहीं नहीं, किसानों की डिमांड है वहाँ पे कि आओ हमारे बीच में। और आप भी बंगाल में? तो हम भी चले जाएंगे बंगाल, तो कोई दिक्कत है बंगाल जाने में? किसान आंदोलन को आज 104 दिन हो गए हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत हमारे साथ हैं। राकेश जी, आप एमपी में गए थे, कैसा रहा एमपी दौरा? वहाँ का ठीक रहा, बढ़िया, अच्छा प्रोग्राम रहा, पब्लिक थी वहाँ पर बहुत, और खरीद नहीं हो रही एमएसपी पे। आगे क्या क्या प्रोग्राम है आपके? आगे तो बंगाल में भी जाएंगे, मध्य प्रदेश में और दो प्रोग्राम है, और राजस्थान के हैं, उड़ीसा के हैं, और कर्नाटक के हैं। बलिया कब जा रहे हैं? बलिया कल, कल का प्रोग्राम है। बलिया जाएंगे? कल बलिया जाएंगे, फिर 12 तारीख का राजस्थान का है। बलिया में कहाँ? बलिया में प्रोग्राम है वहीं। हाँ राकेश जी, जिला पंचायत का चुनाव आ गया है, बहुत लोग हैं जो चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं, तो बहुत लोग हैं यहाँ पर आ रहे हैं आपका आशीर्वाद लेने। हाँ तो चुनाव लड़ लो, जिसने जैसा काम कर रखा होगा ऐसा ही चुनाव रहेगा। जिला पंचायत का चुनाव तो व्यक्तिगत चुनाव होता है कि किस आदमी, कौन सामाजिक आदमी काम करता है, कौन पब्लिक के काम करवाता है, क्योंकि वो इंडिविजुअल चुनाव होता है एक किस्म से, तो किस आदमी का क्या व्यवहार रहा है तो उसी पे ही चुनाव होता है, किसी के उस पर चुनाव नहीं है ज़्यादा। कुछ लोग आपसे भी आके मिले? कुछ लोग आपसे भी आकर मिले होंगे यहाँ पर और उन्होंने अपनी इच्छा जताई होगी? ना, हमें ज़्यादा लोग नहीं मिले। ज़्यादा नहीं, कुछ तो मिले? नहीं, मिलते रहे, अपना काम करो भाई, जैसा आपने काम कर रखा जनता ऐसी वोट दे देगी। अब आगे रणनीति क्या होगी? आगे रणनीति है कि देश में पूरे में पंचायत करेंगे और सरकार बात करने से आगे बात कर लेंगे। हमने तो अभी 5 अप्रैल तक के प्रोग्राम लगा रखे, उसके बाद वहाँ लग जाएंगे। सरकार की तरफ से कोई बातचीत, कोई रास्ता? सरकार तो है ही नहीं कहीं, सरकार तो दिल्ली भी छोड़ के जाली गई, ये है नहीं दिल्ली में ये सरकार। बंगाल बतावे चुनाव हो रहे वहाँ जाली, इसलिए आप बंगाल जा रहे हैं? नहीं नहीं, किसानों की डिमांड है वहाँ पे कि आओ हमारे बीच में भी। आपने कहा कि सरकार तो बंगाल में है और आप भी बंगाल में? तो हम भी चले जाएंगे बंगाल, तो कोई दिक्कत है बंगाल जाने में? बातचीत हो गई बंगाल? नहीं नहीं, सरकार से वहाँ कोई नहीं, हम तो पब्लिक से बात करेंगे, सरकार तो बात कमेटी करेगी दिल्ली में ही। कमेटी में सबसे बड़ा नाम आज की तारीख में राकेश टिकैत? नहीं नहीं, हमारे राज्यपाल जी है, लखवाल जी हैं, ये सब लोग हैं। क्या है एक बार फिर बता दें? 3 बिल वापसी हो, एमएसपी पे कानून बने, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करो, सीड बिल है, पेस्टिसाइड बिल है, बिजली अमेंडमेंट बिल है, ये सब खत्म हो। आज कहाँ जा रहे हैं? आज अभी हिसार जाएंगे, किसी लड़के ने सुसाइड कर लिया किसान उसमें ही, तो वहाँ पर जा रहे हैं, और कल फिर बलिया चले जाएंगे सुबह ही, बनारस के लिए फ्लाइट पकड़ेंगे एयरपोर्ट से, बनारस से बलिया, कहीं ना कहीं पूर्वांचल की तरफ भी रुख है, सब जगह जाएंगे। ये तो रेल चल रही है, हवाई जहाज है, रेल है, गाड़ी है, सब साधन है आजकल। रात रात में सफर करो, दिन में मीटिंग करो, रात को सफर, दिन में मीटिंग। तो देखिए, ये थे राकेश टिकैत, जिन्होंने बताया कि अभी ये हिसार के लिए निकल रहे हैं और कल ये पूर्वांचल के बलिया में जाएंगे। मांग वही है जो पहले दिन थी। गाजियाबाद से गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।